हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर हेल्थी एंड हैप्पी। इस क्लास में हम सर्कुलेटरी सिस्टम और ह्यूमन हार्ट के बचे हुए पोर्शन को कवर करेंगे। अब चलिए, पिछले क्लास में हमने जो भी पढ़ा था उसे रिवाइज करते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है? हमारे बॉडी के सेल्स में शुगर और फैटी एसिड्स को तोड़कर या कह सकते हो बर्न करके एनर्जी प्रोवाइड करने में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आसान भाषा में बोला जाए तो बिना ऑक्सीजन के आपकी बॉडी आपके खाने से एनर्जी नहीं निकाल पाएगी। अगला क्वेश्चन, आपका ब्लड ऑक्सीजन को बॉडी के हर सेल्स तक कैसे पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के हर सेल से बाहर निकाल के बॉडी के बाहर कैसे करता है? जब हम सांस लेते हैं हवा के साथ ऑक्सीजन लंग्स तक आता है। लंग इस ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाकर ब्लड वेसल्स के हेल्प से हार्ट तक भेजता है। फिर हार्ट इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लड वेसल्स की हेल्प से पूरे बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाती है। हमारे बॉडी टिश्यूज ब्लड में से ऑक्सीजन लेकर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट के पास जाता है। हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग के पास भेजती है और लास्ट में लंग ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के उसमें ऑक्सीजन डाल देता है। ये ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस हार्ट के पास जाता है ताकि हार्ट पूरे बॉडी ऑर्गन्स को ये ऑक्सीजन रिच ब्लड पंप करे और लंग कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेटरी सिस्टम के हेल्प से सांस के जरिए बॉडी के बाहर कर देता है। तीसरा क्वेश्चन, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, बॉडी में उनका क्या काम है और ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स के होते हैं? ब्लड पूरे बॉडी में जिन पाइप्स से सर्कुलेट होती है उन पाइप्स को ब्लड वेसल्स कहते हैं। बॉडी में 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज पतली होके आर्टेरियोल्स में डिवाइड होती है और बहुत सारे वेन्यूल्स कंबाइन होके वेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सारे आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग तक लेके जाती है। सारे वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी टिश्यू से हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ पल्मोनरी वेन अकेला ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट तक लेके जाती है। आर्टरीज आर्टेरियोल्स में डिवाइड होती है और ये आर्टेरियोल्स कैपिलरीज के साथ कनेक्ट होती है। कैपिलरीज बॉडी के सभी टिश्यूज को कवर करके रखती है और उनमें से नाइट्रोजनस वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है और इसके बदले में बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स डाल देती है। कैपिलरीज दूसरे आर्टरीज और वेन्स के ब्रांचेस को आपस में जोड़ती भी है। वेन्यूज कैपिलरीज में से बाहर निकलने वाली पाइप्स होती है जो आगे जाके वेन्स बन जाती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है और डबल सर्कुलेशन की हमारे बॉडी में क्या जरूरत है? डबल सर्कुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें पूरा ब्लड दो बार हार्ट के पास आता है। एक बार लंग से हार्ट के पास, दूसरी बार पूरी बॉडी टिश्यू से हार्ट के पास आता है। पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट के पास आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स के पास जाता है। इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी के पास जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी टिश्यू से हार्ट के पास वापस आता है। इसे सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन को मिला के डबल सर्कुलेशन होता है। ये सर्कुलेशन एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में होती है। डबल सर्कुलेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे पूरे बॉडी में हाई प्रेशर से ब्लड हर टिश्यूज के पास जाता है और ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते। आगे सर्कुलेटरी सिस्टम और ह्यूमन हार्ट के बारे में जो भी टॉपिक्स बाकी है वो हम इस वीडियो के थर्ड पार्ट में देखेंगे जो कि लास्ट पार्ट होगा। खुद को पढ़ाने के लिए और हमें पढ़ाने का मौका देने के लिए थैंक यू। अगले क्लास में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और परिवार का ख्याल रखिए। गुड बाय स्टूडेंट्स।